थोड़ा सा कुछ गा भी ले। मेरी प्रीत का काजल तुम अपने। लोग जाते हैं, अटक रहा है, आईफोन ही अटक रहा है। वाह 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 वा। मुझे लगता है कि जिसके साथ आपने 10 रुपए खर्चे ना, उसके साथ ही मजा आएगा 10 लाख खर्चने का। ओए गड्ढा गड्ढा आ गया, गड्ढा आ गया। चले यार, चलते ही ब्रेक मारनी पड़ेगी, ये क्या बात है। चलो यार देखते हैं क्या क्या है सड़क पे। ये भी शुरू कर दी ना वीडियो। हेलो, मेरा नाम है पुनीत और गाने गाता हूँ मैं, ये मेरा काम है। और एक मेरा शौक है गाड़ी में घूमना बहुत ज़्यादा। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं अंडरग्राउंड अंडरडॉग की। अंडरग्राउंड अंडरडॉग, ठीक है, नाम बड़ा फैंसी रखा है मैंने। और कोशिश यही है कि कुछ कोशिश ना करनी पड़े, यही कोशिश है कि बातें कर रहे हैं थोड़ी थोड़ी। दिल्ली जहाँ मैं जाता हूँ, बहुत ज़्यादा गया हूँ, वो वाली दिल्ली आप लोगों को दिखाऊँ। और बहुत जगहों की बहुत सारी स्टोरीज हैं, तो वो कैप्चर होंगी ना जब आह जिसे कहते हैं, वो आएगा। बीच में थोड़े थोड़े गाने भी गाएंगे, हल्का हॉर्न भी बजाएंगे, क्योंकि सड़क फिर ये दिल्ली की है ना, तो चीख चिकारा बहुत लगा रहेगा। हेलो, टाइम क्या हो गया है? टाइम हो रहा है 1:38। ये अभी मैंने नया नया लिया है, ये जो स्टैंड लगा हुआ ना, इससे थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की कंपन आएगी। जिससे खरीदा था वो कह रहा पाजी हिलेगा ही नहीं, जिसे कहते हैं हिलना है ही नहीं, ये पर हिल रहा है थोड़ा थोड़ा। चलो कोई नहीं, तो काम करते हैं, शुरू करते हैं, ठीक है, शुरू करो। तो बात ऐसी है जी कि आज हम मंडी हाउस जा रहे हैं। मंडी हाउस में बहुत सारी ऐसी छोटे छोटे कॉर्नर्स हैं जहाँ पर खाना खाता हूँ मैं, और खाता था का कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि मंडी हाउस एक ऐसी जगह है जो अगर आप मंडी हाउस को भी छोड़ दो ना, तो मंडी हाउस आपको नहीं छोड़ता। बार बार रह रह के बुलाता है मंडी हाउस आपको। और ये रह रह के चक्कर में मैंने गलत टर्न ले लिया, क्योंकि मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया था मंडी हाउस के नाम पे। घर से मैं इतना पतला चला था, इतना स्लिम फिट चला था ना मैं घर से, और यहाँ आते आते तक आई एम फैट, वेरी सैड। कोई बात नहीं, अब जब सब फोन ये सब हैंग हो गया, ये मंडी हाउस में पहले वो क्रिएटिव लोग जो कुछ सीखने जा रहे हैं, दूसरे वो लोग जो सीख चुके हैं और अपने करियर में कर रहे हैं वो बढ़िया, और अब वो मज़े करने आते हैं। और एक वो लोग हैं जो सीख तो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनका जो प्रॉपरली चाह रहे थे वो हुआ नहीं, तो उसको बार बार अपने आप को ही मोटिवेट करने के लिए जाते हैं, वो तीसरे वाला मैं हूँ। सब जो भी मंडी हाउस जाता है ना रेगुलरली, उसको लगता है कि सबसे ज़्यादा मंडी हाउस वही गया है। और ये वो जगह है जहाँ पर मैं सबसे ज़्यादा आया हूँ एक आदमी के साथ जिसका नाम है हिमेश। फ़ोन इतना तंग कर रहा है ना, पहली वीडियो में इतना ज़्यादा मैं डीमोटिवेट हो रहा हूँ, बार बार फ़ोन बंद हो रहा है, कभी गर्म हो रहा है, समझ नहीं आ रही मेरे को। हाँ फिर मैं डिसहार्टन हो जाऊँगा और फिर मैं छोड़ दूँगा। ये बंद हो गया, अटक रहा है, आईफोन ही अटक रहा है। वाह 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 वाह, समझ नहीं आ रही। तो कॉलेज में अखिल के साथ आता था मैं, पर ऐसा होता था कि अखिल कॉलेज में भी काफ़ी उसके दोस्त थे, तो मैं अकेला भी आता था, तब मैं यहाँ के मिलता था हिमेश से, और बहुत मज़ा आता था। मेट्रो से आते थे, ओहो मैं कह रहा हूँ उससे बढ़िया कोई जीवन ही नहीं था। और मुझे लगता है कि जिसके साथ आपने 10 रुपए खर्चे ना, उसके साथ ही मज़ा आएगा 10 लाख खर्चने का, क्योंकि वो उसको हमेशा वो मिलता रहेगा रेफरेंस कि अरे ये तो अपना ही बंदा है, ये तो 10 रुपए भी नहीं होते थे, वो मज़ा आता था। यहाँ अभी हम आते हैं रात को, मैं और हिमेश बहुत आते हैं रात को यहाँ, और बैठ के यहाँ पे खाते पीते हैं। और जैसा पहले लगता था सेम अब जैसे ये है, ये खोखा इसे हम कहते हैं
खोखा, यहाँ पे बीएम स्वीट कॉर्नर है, इस जगह का नाम है खोखा। इस खोखे पे हम लोग बैठते थे बहुत ज़्यादा, और यहाँ बैठ के हम खाना खाते थे। यहाँ पे 40 रुपए की थाली मिलती थी जिसमें दाल, सब्जी और चावल और रोटी। तो मैं चावल था तब, तो मैं रोटी ले लेता था। और मैं कितनी रोटी लेता था? 5। वो भी सेम, उसकी और मेरी डाइट सेम ही है। हम गंद, उतना ही गंद खाते हैं हम साथ में, उतना ही सेम खाना खाते हैं। ये बार बार बंद हो रहा है। हम फालतू काम करना हो ना फ़ोन पे, चलता रहेगा 6-6 घंटे, कोई दिक्कत नहीं। पिक्चर देखनी हो, पर कोई काम करना हो ना, जिस थोड़ा सा भी कि चलो कुछ करें कुछ, है ना, बिल्कुल ही बंद हो जाएगा, एकदम तंग करेगा, बेकार बातें। कोई बात नहीं। ओए ओए ओए, ये देखो बहुत बढ़िया, सामने से ट्रक आ रहे हैं। हाँ, तो मैं इस जगह के बारे में ये बता रहा था कि उस टाइम हम लोग जून में आते थे और हम लोग पैदल घूमते थे यहाँ। हाँ, मतलब अब बड़ा अजीब लगता है कि कितनी गर्मी थी, अभी बच्चे घूम रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है इनको। और मैं 5 मिनट भी चक्कर मार के आया ना तो चक्कर आएगा मुझे। पहले कैसे घूम लेते थे, पता नहीं क्या था, वेले ज़्यादा थे या ओ ओ गड्ढा गड्ढा आ गया गड्ढा आ गया पहले वेला ज़्यादा था मैं या पता नहीं क्या था। लेकिन पहले बहुत मज़ा आता था, अब ना वेला बैठने में टेंशन होती है, पहले मज़ा आता था। हेलो अंकल, बहुत ज़्यादा सिगरेट लेके जा रहे हैं, ध्यान रखा करो अपना, धनाधन सुट्टे पे सुट्टे चल रहे हैं। तो लेकिन थोड़ा सा मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब हम पहले घूमते थे तो गर्मी हमारा ये नहीं था, मतलब हमारा ध्यान नहीं जाता था कि हमें गर्मी लग रही है। अब हमारा ध्यान जाता है कि यार हमें गर्मी लग रही है। पहले हमारा ध्यान नहीं जाता था, पहले हमारा ध्यान होता था कुछ खाएं कुछ खाएं। मेरा कज़न है तन्नू, उसको भी लेके आता था मैं यहाँ, उसको नहीं मज़ा आता था बिल्कुल भी। फिर मैंने उसको स्प्रिंग रोल खिलाने शुरू करे यहाँ, फिर उसको आया मज़ा। अब बात आई रिकमेंडेशन की, यहाँ पर 3 जगहें बेस्ट जो मेरी फेवरेट है। सबसे पहले तो खोखा, खोखा किसको कहते हैं, बीएम स्नैक्स वाले एरिया को खोखा कहते हैं। वहाँ पर सब लोग बैठे होते हैं, वहाँ माहौल होता है, शाम को खाना पीना चल रहा होता है, और बीएम स्नैक्स से आप समोसे, ब्रेड पकौड़े और थाली, इन तीनों में से कोई भी आइटम ले लो या तीनों ले लो, अगर आपकी कैपेसिटी है तो तीनों ले लो, पहली चीज़। दूसरी जगह त्रिवेणी टेरेस कैफ़े, त्रिवेणी टेरेस कैफ़े 9 बजे तक खुला है, और अब पता नहीं कितने बजे तक खुला होता है, 9 बजे तक हमारे टाइम पे खुला होता था। वहाँ पर आप खाओ रागी इडलियाँ, पोहे, ठीक है, टिक्कियाँ, सैंडविच, और वहाँ पे है ना फ्रेशली बेक्ड ब्रेड भी पड़ी होती है, वो भी काफ़ी अच्छा है। डेफिनेटली थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं, थोड़ा सा, मतलब बीएम स्नैक्स से थोड़ा सा महंगा है। और तीसरी जगह जो मेरी मोस्ट फेवरेट है वो है श्रीराम सेंटर के अंदर की कैंटीन, जो बिल्कुल खोखे के पीछे है, मतलब बीएम स्नैक्स कॉर्नर और उसके पीछे अंदर श्रीराम सेंटर के अंदर एक कैंटीन है जिसमें चाइनीज़ खाना मिलता है। और वो ऐसी जगह है, वहाँ आपको वो मिस नहीं करना चाहिए, वो अमेजिंग है, प्लीज़ ट्राई। ओके, देखो इस जगह में ना फील तो है, और हल्का हल्का जो ऐसे तानपुरा बज रहा है तो और मज़ा आ रहा है। मंडी हाउस में घुसने और निकलने तक का जो टाइम होता है वो ऐसा टाइम होता है जब पता नहीं होता कि मैं कहाँ हूँ। तो लाइफ में आप याद रखें कि बहुत सारी जगहें ऐसी होंगी जहाँ पे आपका मन लगेगा, पर कुछ जगह ऐसी होंगी जहाँ पर आपका सिर्फ मन ही लगेगा, आपको बुरा लगेगा ही नहीं, आपको मज़ा ही आता जाएगा। ऐसी जगह को कभी ना छोड़ें, आप कहीं भी चले जाओ पर ऐसी जगह को कभी भी पीछे मत छोड़ो। मैंने हर जगह यहाँ पर, ये है कमानी ऑडिटोरियम है, कमानी ऑडिटोरियम के साथ ललित कला अकेडमी है, उसके राइट में दूरदर्शन भवन है, दूरदर्शन भवन में मैंने इंटर्नशिप करी थी। इधर ललित कला अकेडमी में हम लोग, यहाँ पे मेला लगता था, अभी भी लगता है, वो देखने आते थे, आर्ट मेला। और उधर NSD है, NSD में तो खैर मैं 2 बार ही गया हूँ,
एनएसडी में एंट्री नहीं होती बड़ी मुश्किल से होती है। श्रीराम सेंटर में एंट्री हो जाती है पर कैंटीन में ही होती है, उसके अंदर भी मुश्किल होती है, पर फिर भी हम जाते थे उस टाइम पे। अब तो बहुत ही स्ट्रिक्ट हो गया। और त्रिवेणी कला संगम में मैं फोटोग्राफी सीखता था, मिस्टर ओपी शर्मा टीचर थे, वो सिखाते थे, वहाँ से फोटोग्राफी सीखता था। और त्रिवेणी कला संगम में और इवेंट्स भी होते थे, वो भी अटेंड करते थे, त्रिवेणी कैंटीन में खाते थे। और हाँ, उसके बाद वो है नथू है, अब जो लोग मंडी हाउस वाले हैं अब वो बोलेंगे कि अभी तक तूने नथू का जिक्र नहीं किया और बंगाली का। तो दो चीज़ें ऐसी हैं, एक तो नथू की पाव भाजी और छोले भटूरे, और ये मिस्टर मनोज वाजपेयी भी बोल चुके हैं जब वो नए नए आए थे दिल्ली में और उनके पास पैसे नहीं होते थे, तो वो वहाँ पर जाके खुशबू सूंघते थे उसकी छोले भटूरे की, और उससे खुश होते थे। बहुत बढ़िया लगी मेरे को ये बात। और दूसरी जगह उसी के सामने बंगाली स्वीट हाउस, और बंगाली स्वीट हाउस के बाहर एक गोलगप्पे वाले भैया बैठते हैं, और 70 के 8 पर मैं कह रहा हूँ भाई साहब वो गोलगप्पे ऐसे हैं ना, इतना बड़ा गोलगप्पा एक, और आपको पता है मैं इतना बड़ा गोलगप्पा मैं भी हूँ, धना धन खाता हूँ मैं, बेस्ट दी बेस्ट। थोड़ा सा कुछ गा भी ले। मैं पलकन डगर बुहारूंगा तेरी राह निहारूंगा, मैं पलकन डगर बुहारूंगा तेरी राह निहारूंगा, मेरी प्रीत का काजल तुम अपने नैनों में मल आना, जब दीप जग आना जब शाम ढले आना, संकेत मिलन का भूल न जाना, मेरा प्यार न बिसराना, जब दी जले आना जब शाम ढले आना। Ah,